জোহার কে যতক আর মিটং ব্লগ রে আর তেহেন হুক ফিফথ অফ মে 5 তারিখ কান বৈশাখ কুনামি কান আর তেহেন দিন মা পড়াই গে আপে আবই যাহা অলচিকি এম কাত বনায় আবই গুরু গমকে পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু তিকি না জানা মহা কান তেহেন তো ওনাগে হুডিং সহি সেলিব্রেশন হুক আবো নডে দিল্লি রেহ তো চলো তেহেনা ভিডিও স্টার্ট আবন আর নিতলি ওডোক কান এসে 4:30 গান বাজা কান আর 4 বাজে খন এসে প্রোগ্রাম শিডিউল মে না বাট হালকা ফুলকা লেট হুই গিয়া তো চলো তেহেনা ভিডিও স্টার্ট আবন আর ইনোয়া তেহেন ট্রেডিশনাল ফুটো শাড়ি হরক কই ব্ল্যাক আর ইয়েলো কম্বিনেশন রে আর নোয়া গেটআপ বড়া এপে অনলি 10 খন 15 মিনিট তে পুরো তৈয়ার কনি মতলব মেকআপ কো মেসা কতে শাড়ি আর পুরো মেকআপ 15 মিনিট রে তো চলো দেখাও পে তেহেনা প্রোগ্রাম চদলেকা আলে নোডে দিল্লি রে সেলিব্রেট আলে ओहल दुबुनी सीड़ाए गिया जति धर बुनी दो होया एगो मर साले हरते एना बुइनी दी बुना ओहल दुबुनी सीड़ाए गिया जति धर बुनी दो होया ओहल दुबुनी सीड़ाए गिया जति धर बुनी दो होया एगो मार साले हरते एना बु मार साले हरते एना बुनी दीबो ना एगो मार साले हरते एना बु मार साले हरते एना बुनी दीबो ना उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं। 99 तो
इससे सब हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि आज हमें नवसेन एमपी साहब के आवास पे हमें मनाने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो हम तहे दिल से मंत्री साहब का सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं। हम सब को पता है जो बढ़ाते हैं अब अब गुरु गमे अनल बंगा यहाँ बिंदु चादा बिगिना दाड़े ते तेज अब तला रे अलचिकी पासनावे अब अग्रम होना इंट्रोडक्शन सा इन के लिए वही बैठे अब दिए बाकी भी आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बाकी आदिवासी लोग भी आज मौजूद है। और आज जैसे कि काशीनाथ जी ने कहा कि आज हमारा सौभाग्य है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में हमें मनाने का अवसर मिला। थोड़ी सी मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे काशीनाथ जी ने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बड़ी मेहनत से ओलचिकी का स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था। मैं अपने तजुर्बा के हिसाब से जो मुझे ज्ञान है, कई बार दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि देवनागरी, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि देवनागरी के देवनागरी स्क्रिप्ट का जो इन्वेंशन जो किया था वो कौन है, आज तक किसी को शायद नहीं पता होगा मुझे। तो सिमिलरली तो जो हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी जो उनका जो सोच रहा होगा कि अगर मैं ये एक संथाल लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट का मैं अगर उसका इन्वेंशन करूँगा उसको निकालूंगा, तो क्योंकि बहुत सारे जितने भी हम लोग संथालों का जो प्रोनाउंसिएशन है शब्दों का वो शब्द देवनागरी या इंग्लिश रोमन में उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते अच्छी तरह से, उसको क्या कहते हैं कि मतलब एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। तो इन्हीं सब को चीज़ों को लेकर के ही उन्होंने जो हमारे लिए बहुत बड़े हैं उन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया। और जो जो उन्होंने जब आविष्कार किया था तो उनको बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था उस पीरियड में। संथाल में शायद एक उन्होंने पंडित जी ने लिखा था कहीं पर कि संताड़ दो आयो दो रेंगे ग्रहो है आयोगे दुलड़मी है, ऐसे कुछ बात है। मतलब अगर माँ, आपकी माँ अगर गरीब भी है तो वही माँ आपको प्यार करेगी, कोई दूसरी माँ आपको उतना प्यार नहीं दे पाएगी। तो जो संथाल जो भाषा है जहाँ सिविल मेरा उन्हें संताड़ सिविल दो उन्हें संताड़ रेंगे मेरा, तो पॉइंट मेरा ये है कि चाहे वो मुंडा हो खड़िया हो वो समाज हो, तो हम जितने भी चाहे असामीज हो तो अपनी अपनी भाषा में रहना चाहिए, उसको जानना चाहिए और उसके साथ साथ में बाकी जो ट्राई लैंग्वेज जो है साथ में एक नेशनल भाषा है हमारा हिंदी है वो भी हमें स्वीकार है, इंग्लिश है इंटरनेशनल भाषा है वो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, बट अपनी जो मातृभाषा जिसको कहते हैं कि आयो अड़ान जिसको हम बोलते हैं वो कभी भी इंसान को वो छोड़ना नहीं चाहिए। सबको जो पर मेरा नाम मंगल चंद्र एक्चुअल में हम लोग को सबको पता है कि कौन है मतलब क्या किया है, लेकिन आज हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि वो इनके बारे में सब कम जानते हो या नहीं भी जानते हो, तो मैं थोड़ा सा उनका परिचय दे दूँगा कि ये 1905 में डेनबोस गाँव का नाम है उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ और 1925 में इन्होंने ओलचिकी का इन्वेंट किया। इसके इनका मंशा शायद या जो उनका सोच था कि जैसे विजय जी ने बताया कि हम लोग अलग अलग स्टेटों में संथाल लोग हैं, उड़ीसा झारखंड बंगाल पहले बिहार हुआ करता था, अभी बिहार में भी हमारा संथाल वाले लोग हैं, इवन आसाम त्रिपुरा देशों में बांग्लादेश नेपाल
में भी हमारे साथ आवाज होते हैं, तो उनका वहाँ पे क्या कि जो लोकल लैंग्वेज है वो उनके ऊपर हावी रहा। अगर जो बंगाल का जो संथाल होगा उनको बंगला में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बंगला स्क्रिप्ट में लिखना होता है। उसे उड़ीसा का भी ऐसे रहा, बिहार में हिंदी, देवनागरी। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या ऐसा कुछ करूँ इस लिपि को बना के कि हम लोग एक सूत्र में बंध जाए सकें, और उन्होंने ऐसा कोशिश किया। इसके लिए उनको बहुत तपस्या करना पड़ा, उस समय में उनको बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ा, और अंततः उन्होंने इन्वेंट किया। और उन्होंने इन्वेंट के साथ में उसने उनका किताब लिखा, उनका गाना लिखा, उन्होंने छापा खाना है उसमें उन्होंने बनाया अपने हाथों से लकड़ी का, और उनको उन्होंने प्रिंट भी किया। ऐसे करते हुए वो मतलब कभी बंगाल में जाके प्रचार प्रसार किया, तो कभी झारखंड में आके, या फिर आसाम तक भी गए, पूरा घूम घूम के एस्टेब्लिश किया। और वही कारण रहा कि हम लोग का जो भाषा आंदोलन रहा, इनके पोर्चुगी स्क्रिप्ट आने के बाद में हमारा जोड़ पकड़ा, और अंततः जो 2003 में हम लोग को मिला। इसलिए इनका योगदान बहुत ज़्यादा है और हम उसको याद करते रहते हैं। और इनका ये 99th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी। अगले साल इनका 100 पूरा हो जाएगा, तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि हम इसको और थोड़ा बृहद स्तर पर मनाएंगे और जोरदार तरीके से मनाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। सबका नमस्कार, जोहार। आज इसी सुबह मौके को हमको मिलने का मौका मिला है। मैं पहले हमारे तरफ से दिल्ली का जो हमारा संतरा दिन निभाए गए तो मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। अगर अपने के लिए करना है तो अपने के लिए करना पड़ेगा, और दूसरा कोई आके हमको यहाँ से ऊपर उठा के ले जाए वो उम्मीद नहीं है। ग्रुप ना में रहन सेटर सब जोहार तेज गुरुकुनमी अब बच्चर बन मना हुए तेज गुरुकुनमी बन मना स्पेशल गया चलकर स्पेशल गया तेन जहाँ अब पूरा इंडिया हुएन अब इंडिया बाहर हुएन जहाँ कि अब ये अब नेपाल करे बाखान बांग्लादेश करे जहाँ संताल को मना पता बना उनको गुरुकुनमी को मना तेज बारिया जिनिस मिट्टे तेज स्पेशल गया चेक जिनिस मिट्टे डेट रे प्रभेद होता है 5/5/1905 तीन जखन कुनमी तहकना उन जखन गुरुकुनमी तक जनम रहे अब पाँच और कुनमी सेरमा पर तेज मिट्टा स्पेशल सेरमा पर तेज पाँच और कुनमी नौकर तीन दिन गुरु गमे 5/5/1905 तीन जनम लेना तेज अब मारंग हिसाब तेना मना इन अब ना कटी ऑर्गेनाइजेशन को लिचड़े अब जिस बाबन उहर कतवा बन करा दाड़ा जो तेज जान बन जा जिस अब मंत्री तक जगह बन जाम और तेज अब बन मना मारा कथा उदाहरण में कभी बुझेना चला चे कलकला कलकला में जीव जानवर को खाली छोड़ा गेम छोड़ा पड़े होना लगे तो सार तुम सार ते जब तक बम तुझिया उन्हें तो भाई मिली झोड़ा तो जहाँ तक जम करो तला करना उड़ा खुला उड़ा उतना जो गुरुम लेना उड़ा खुला फिर उड़ा फिर आप गुरुम खुला उड़ा उड़ा फिर तो वे गोरी तो सार तक है तो वे जहाँ तीस गया हो वो लड़े या गवर्नमेंट सब लेकिन सार तो चेक करना वो का सार वो गवर्नमेंट सलाह जहाँ तीस के जहाँ ना के कमी जो ही या उन्हें तो मिट्टन के साथ उन्हें तो इन रिटेल जब तक हम बम ओल करते बाम में माया तब तक गवर्नमेंट बाय है और ना ओल सार वहाँ हुई हुआ और आज थे सेटे हो चुकी हुआ ये अब उसकी दुनिया ओना पड़े ओना सेटे करते जहाँ वो कलकला करा ओना हो लग ताई हुई अब उसकी तो कुछ क्या मना कर वो कर अरे वो थोड़ा ठीक है अब वन तो हम वन बड़े हैं 5/5/1905 किंतु वैश्य कुनमी गुरु गमे भी वैश्य
जो पर्व पुनी तबन अब बंगा हिसाब मुलुक मोले बहा ना जो प्राय जो बंगा के हाँ मुलुक मोले बहा के तबन पर्व पुनी को पड़ा हिसाब से अबाटेगा को इंसिडेंस करना चे नोते पंडित रघुनाथ मुर्मू तक हम जन्मदिन एज वेल एज अब तक एम पी साहब नवकुमार हम जन्मदिन बन मनावे तो बहुत शुभ घड़ी है ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी और तो हम लोग इसके साक्षी हैं। दुआ करते हैं कि लंबा गुरुजी भी साथ में है, इनके भी आशीर्वाद तो चाहिए चाहिए हम सबको, इनके बगैर तो कुछ होगा नहीं। अभी ढेर धूप विपद को बचा दाया।